नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने वनपाल एवं वन रक्षक के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि लटकन आभूषण किस अंग का है। तो आपको याद रखना है यह है नाक का, ठीक है। नाक का कौन सा आभूषण है? तो लटकन आभूषण है। अगला सवाल है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में रचित गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, यह किस स्थान पर है? तो यह कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक है तो कौन है? जयानक, ठीक है। जयानक है जो पृथ्वीराज विजय के लेखक है। अगला सवाल है कि थेवा केला या थेवा कला प्रसिद्ध है तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ में, ठीक है। कौन सी कला? थेवा कला। अगला सवाल है कि अलगोजा है तो अलगोजा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, ठीक। क्या? अलगोजा। अगला सवाल है कि बगोली सराय पंचलंगी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लोह अयस्क के लिए, ठीक है। कौन सा खनन क्षेत्र? बगोली सराय पंचलंगी खनन क्षेत्र, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए। अगला सवाल है कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है यह हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। कौन से प्रजामंडल की स्थापना? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। अगला सवाल है कि जाम्बोजी के 29 नियम के पालनकर्ता कहलाए तो क्या कहलाए? बिश्नोई, ठीक है। बिश्नोई कहलाए थे। क्या क्या कहलाए थे? जाम्बोजी के 29 नियम के पालनकर्ता कहलाए थे। कौन? बिश्नोई। अगला सवाल है कि प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल सम्राट अकबर से विवाद संबंध स्थापित किए थे तो आपको याद रखना है वह प्रथम राजपूत वंश था कछवा वंश, ठीक। कछवा वंश प्रथम ऐसा राजवंश था जिसने मुगल सम्राट अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए थे। अगला सवाल है कि तालाबों निकाली गई नालियां है कहलाती हैं तो आपको याद रखना है यह कहलाती है मोरी। अगला सवाल है कि सिंहथल में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो आपको याद रखना है यह की थी हरिराम दास जी ने, ठीक है। हरिराम दास जी ने स्थापना की थी किसकी? रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना। और ये कहाँ पर है? सिंहथल में। अगला सवाल है कि कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ जिले और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं तो आपको याद रखना है यह जाने जाते हैं आड़ूती नाम से, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया तो आपको याद रखना है यह आया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राजस्थान राज्य कब वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया तो आपको याद रखना है यह आया था 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है कि वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब देश हितेशनी सभा का गठन हुआ तो आपको याद रखना है यह हुआ था 2 जुलाई 1877 को, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सा जल दुर्ग, रुको उसको बड़ा कर देते हैं। तो अगला सवाल है कि कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है तो आपको याद रखना है यह आता है गागरोन, ठीक है। गागरोन दुर्ग है जो कि जल श्रेणी में आता है। अगला सवाल है कि बीएन रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था तो आपको याद रखना है यह था राव चंद्रसेन, ठीक है। भूला हुआ नायक कौन था? तो राव चंद्रसेन था। अगला सवाल है कि प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान रहा है तो आपको याद रखना है निवास स्थान कौन सा है? जसोल, ठीक है। जसोल था जो प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान रहा है। कौन? जसोल। अगला सवाल है कि मंडोर जहां राज्य के पहले फुटवियर डिज़ाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है वह कहां पर स्थित है तो आपको याद रखना है यह स्थित है जोधपुर में। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां बीता तो आपको याद रखना है यह बीता था चावंड में। अगला सवाल है कि खरीता पत्र
किसे भेजा था? तो आपको याद रखना है, यह भेजा था एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को। अगला सवाल है कि स्वाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वैधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो आपको याद रखना है, यह करवाया था 5 स्थानों में। ठीक है, अगला सवाल है कि राज प्रशस्ति किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपको याद रखना है, यह अवस्थित है राजसमंद झील की पाल पर। अगला सवाल है कि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है? तो आपको याद रखना है, यह कहलाती है पुरंदर की संधि। अगला सवाल है कि कूचामणि ख्याल के प्रवर्तक है? तो आपको याद रखना है, यह प्रवर्तक है लच्छीराम। अगला सवाल है कि बनी ठनी संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह संबंधित है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, क्या संबंधित है? बनी ठनी। अगला सवाल है कि राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, यह कहा जाता है दाए। अगला सवाल है कि शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर होता है? तो आपको याद रखना है, यह होता है होली के त्यौहार पर। ठीक है, कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। अगला सवाल है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है, यह करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना है, यह थी सुमित्रा सिंह। ठीक है, सुमित्रा सिंह थी जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? सुमित्रा सिंह। अगला सवाल है कि हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला है? तो आपको याद रखना है, यह मेला है जसवंत मेला। ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणवी नस्ल के लिए। अगला सवाल है कि अंता गैस विद्युत केंद्र स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है बारा जिले में। ठीक है, कौन सा विद्युत केंद्र? अंता गैस विद्युत केंद्र। अगला सवाल है कि सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है टोंक जिले में। ठीक है, कौन सी कोठी? सुनहरी कोठी। अगला सवाल है कि मगरा चक्री तथा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? तो आपको याद रखना है, यह नस्ल है भेड़ की। अगला सवाल है कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो किया था। अगला सवाल है कि यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया? तो आपको याद रखना है, राजस्थान के दुर्ग थे उसमें 6 दुर्ग, जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया। अगला सवाल है कि जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो आपको याद रखना है, यह शामिल किया था 2010 को। ठीक है, अगला सवाल है कि विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है, यह मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। अगला सवाल है कि सुनारगढ़ या सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, यह प्रसिद्ध है जैसलमेर का दुर्ग। अगला सवाल है कि भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ठीक है, तो भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो आपको याद रखना है, यह बिताया था द्वारिका में। ठीक है, किसने बिताया था? तो मीरा ने अंतिम समय बिताया था कहाँ पर? द्वारिका में। अगला सवाल है कि टोटी नामक आभूषण है? तो आपको याद रखना है, यह आभूषण है कान के लिए। ठीक है, कौन सा आभूषण? टोटी नामक आभूषण। अगला सवाल है कि डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ और यह अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? डीडवाना में। अगला सवाल है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया था? तो आपको याद रखना है, यह पराजित किया था बयाना के युद्ध में। ठीक है, अगला सवाल है कि देवगढ़ के महल निर्मित है? तो आपको याद रखना है, यह निर्मित है सोमपुरा शैली में। ठीक है, देवगढ़ के महल निर्मित है किस शैली में? तो आपको याद रखना है, सोमपुरा शैली में निर्मित है। अगला सवाल है कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद रखना है, यह मृत्यु हुई थी उज्जैन में। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद रखना है, उज्जैन में हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? तो दुर्गादास राठौड़ की। अगला सवाल है कि शिशु
शिशुपाल वध के रचयिता हैं। शिशुपाल वध के रचयिता है तो कौन है, तो आपको याद रखना है यह रचयिता है महाकवि माघ। ठीक है, महाकवि माघ है जो शिशुपाल वध के रचयिता हैं। अगला सवाल है कि 66 झरोखे वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है जैसलमेर जिले में। ठीक है, कौन सी हवेली, पटुओं की हवेली। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक था तो कौन था, कानड़देव। ठीक है, कानड़देव शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है यह हुई थी हुरडा में। ठीक है, हुरडा में बैठक हुई थी, कब हुई थी, 1734 में। अगला सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है यह था माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा था जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था, कौन, माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है कि मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ तो कब घटित हुआ था, 1913 को। ठीक है, 1913 को कौन सा हत्याकांड घटित हुआ था, तो मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।